हे गाइस गाइस, आजकल ना जो भी नई नई गाड़ियाँ आ रही है ना, उसमें बहुत अलग अलग प्रकार के ट्रांसमिशन आ रहे हैं, जैसे IVT, CVT, AMT, IMT और ऐसे टॉर्क कन्वर्टर्स, और ऐसे बहुत अलग अलग प्रकार के ट्रांसमिशन आ रहे हैं। और आई एम श्योर बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते होंगे कि कौन सी राइट चॉइस आपको ऑप्ट करनी है इतने सारे ऑप्शंस में से। सो आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। अगले 5 मिनट में मैं आपको बताने वाला हूँ और सब कुछ क्लियर कर दूंगा कि कौन सी राइट चॉइस है आपकी ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से, वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। सो गाइस, दिस इज वरुण एंड आई वेलकम यू ऑल इन द 156th एपिसोड ऑफ ट्यूसडे टॉक्स। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन की। मैनुअल ट्रांसमिशन बहुत ही बेसिक होता है, सदियों से चला आ रहा है। उसमें क्लच होता है, उसमें गियर होता है और आपको क्लच दबा के गियर शिफ्ट करना पड़ता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये सस्ता होता है, चीप होता है और ये फ्यूल एफिशिएंट होता है, आपको बहुत अच्छा एवरेज निकलवाने में गाड़ी का मदद कर देता है। सो यहाँ पे आपके लिए सबसे ईजी है, जिसको गाड़ी सीखनी हो, जिसको गाड़ी फर्स्ट टाइम चलानी हो और जिसको एवरेज अच्छा चाहिए हो, वो मैनुअल ट्रांसमिशन को ले ले बिल्कुल। अब बात करते हैं सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक की। सेमी ऑटोमेटिक में दो ऑप्शन आ जाते हैं, जो कि सबसे पहला ऑप्शन है IMT। IMT एक न्यू टेक्नोलॉजी है जो कि हुंडई किया ने उठाई है। बहुत पहले भी आती थी लेकिन वो इतनी ज़्यादा रिफाइंड और ट्यून्ड नहीं थी, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा रिफाइंड और ट्यून्ड हो चुकी है और ये बहुत ही बेनिफिशियल हो गई है। सो इसमें क्या होता है, इसमें ना कहानी ऐसी है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग मामला है। कहानी ये है कि इसमें क्लच नहीं होता है लेकिन गियर होता है। आपको गियर शिफ्ट नॉर्मल इंसान की तरह बिल्कुल नॉर्मल या मैनुअल ट्रांसमिशन की तरह नॉर्मली आपको करना है, लेकिन आप बिना क्लच दबाए गियर शिफ्ट करते हो। इसमें जैसे ही आप कोई भी गियर में गाड़ी डालते हो, गाड़ी क्रॉल करना शुरू कर जाती है क्योंकि इसमें क्लच नहीं होता है। इसमें क्लच ना होने की वजह से ये फ्यूल एफिशिएंट मैनुअल जैसा सिमिलर होता है, क्योंकि इसमें गियर है लेकिन सिर्फ आपका लेफ्ट लेग फ्री हो चुका है और आपको क्लच नहीं दबाना है। तो हाई ट्रैफिक कंडीशंस में और सिटी में चलाने में बहुत इजी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे क्लच नहीं है। और जब आप हिल्स पे गाड़ी चलाते हैं तो बिल्कुल मैनुअल जैसे आपको चलानी पड़ेगी, लेकिन हिल्स पे या तो मैनुअल या फिर फुल्ली ऑटोमेटिक ज़्यादा अच्छा रहता है। उन एरियाज में थोड़ा IMT में आपको गड़बड़ महसूस हो सकती है कि वो थोड़ा सा लैग आया, जर्क आया। इसकी जो कॉस्ट होती है वो मैनुअल ट्रांसमिशन से 25,000 से 40,000, 50,000 थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। और फ्यूल एफिशिएंसी के नाम पर इसमें थोड़ा सा बेटर फ्यूल होता है ऑटोमेटिक के हिसाब से, लेकिन मैनुअल के हिसाब से ये मैनुअल को टक्कर देता है, एकदम भी गिर नहीं जाता है इसमें। और इसमें जो भी रिपेयर वाली चीज़ें होती है ना, कुछ ज़्यादा खर्चे नहीं आते, नॉर्मल मैनुअल जैसे ही सालों साल चलता है। अब बात करते हैं AMT की, विच इज़ ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। ये एक ट्रांसमिशन बहुत पहले से चला रहा है लेकिन अब बहुत ज़्यादा ट्यून होता जा रहा है। और अब जो गाड़ियाँ आ रही हैं, जैसे किया और हुंडई की गाड़ियाँ आ रही हैं, उनमें ना बहुत ट्यून्ड हो गया है। सुजुकी की गाड़ियों में भी ये बहुत ट्यून्ड होकर आ गया है। अब इसमें कहानी क्या होती है कि इसमें ये नॉर्मल मैनुअल ट्रांसमिशन है, लेकिन उस मैनुअल ट्रांसमिशन को एक दिमाग दे दिया है। और उसमें दिमाग में क्या दे दिया है, उसमें दो एक्चुएटर दे दिए कि एक क्लच दबाएगा, एक गियर बदलेगा। और वो जो एक्चुएटर्स हैं वो ऑटोमेटिकली प्रोसेस कर देते हैं गियर बदलने की स्पीड के अनुसार, कि आप कितना टॉर्क दे रहे हैं, कितना पावर दे रहे हैं, तो उसके अनुसार वो कर देते हैं। अब आप कभी भी गाड़ी चला रहे हो तो उसमें आपको झटके महसूस होंगे, कैसे कि जब आपने रेस दी है, क्योंकि क्लच भी नहीं है, गियर भी नहीं है, आपने ड्राइव मोड पर डाला, आपने रेस दी, तो आपको फील होगा कि जब गाड़ी फर्स्ट से सेकेंड गियर में जा रही है, सेकेंड से थर्ड गियर में जा रही है, थर्ड से फोर्थ में जा रही है, तो वहाँ पर आपको हल्का सा ना लैगीनेस दिखेगी, जैसे एक नॉर्मल मैनुअल ट्रांसमिशन में होता है ना, आप क्लच दबाते हो, गियर बदलते हो, तो वैसा आपको फील होगा, जैसे इस तरीके से आपको साउंड आता रहेगा, ऐसा फील आता रहेगा कि ये आप सुन सकते हो अगर ये साउंड आप, तो ऐसा आपको बिल्कुल महसूस होने वाला है। और इसमें ये मैनुअल गियर की तरह ही होता है, शिफ्ट्स बिल्कुल मैनुअल गियर जैसे होते हैं। ये क्विकली नहीं, जब आप इसको एकदम शूट करेंगे ना, एक्सेलरेटर दबाएंगे तो ये एकदम से जब वो पावर लेगा तो आपको वो जर्क्स महसूस हो जाएंगे। ये लैगी होता है थोड़ा सा और आपको फील होता है कि हाँ यार कुछ चेंज हो रहा है गाड़ी में, मतलब गियर बदल रहा है, ऐसा आपको फील होगा। और इसकी रिपेयर कॉस्ट नहीं होती है, और क्योंकि एक बस छोटा सा दिमाग दे दिया मैनुअल ट्रांसमिशन को, तो रिपेयर कॉस्ट में नहीं आता है इसमें ज़्यादा, लेकिन इसकी जो गाड़ी की कॉस्टिंग में ये फ़र्क कर देता है, 50,000 से 80,000 रुपये ये महंगा होता है कोई भी गाड़ी के मुकाबले, अगर आप मैनुअल से मुकाबले लोगे तो ये महंगा हो जाता है।
ये गेयरबॉक्स एंथुजियास्ट ड्राइवर्स के लिए नहीं है जो एकदम रश करना चाहते हैं और एंथुजियास्टिकली रश ड्राइव करना चाहते हैं, उन लोग के लिए नहीं है। तो ये फ्यूल भी थोड़ा सा आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी आपकी वहाँ पे हल्की सी गिर जाएगी अगर आप एकदम वैसे चलाएंगे तो। अब बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ है, विच इज़ CVT। अब CVT इज कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन इसको कहा जाता है। CVT यूजुअली एक ऐसी चीज़ है जो आपको टू व्हीलर्स में देखने को मिलती है, मतलब जब आप एक्टिवा चलाते हो तो उसमें कैसे आप रेस देते हो और आपको कैसा फीलिंग आती है वैसा होता है। ये बेल्ट ड्राइव होता है, ये सीमलेस होता है, इसमें गियर समझ लो होते ही नहीं है और ये बिल्कुल सीमलेस होता है और ये स्पीड के हिसाब से चलता जाता है। इसके दो तीन खासियत है जैसे बलेनो और ये i20 और दूसरा होंडा सिटी और इनमें ये CVT इंजन आने लग गए हैं। CVT को होंडे की भाषा में IVT कहा जाता है। अब इसमें क्या है कि स्लोली स्मूथली पिकअप होता है, धीरे धीरे बढ़ता है और इनिशियली आपको लैग देखने को मिलेगा लेकिन एंड में जब आप रेज अच्छी दे दोगे उसके बाद आपको लैग देखने को नहीं मिलेगा, वो पिकअप एंड में उठाएगा, शुरू में थोड़ा सा लैग मिलता है। गियर चेंजेस नहीं होते हैं, स्लाइटली कॉस्टली होता है ये और उसके साथ साथ ये माइलेज कम कर देता है अगर आप एंथुजियास्टिकली गाड़ी चला रहे हैं, रश में गाड़ी चला रहे हैं, और अगर आप नॉर्मली बिल्कुल लीनियर वे में गाड़ी चला रहे हैं ना आराम से शांति से, तो ये एवरेज आपको मैनुअल की टक्कर का या कभी कभार तो मैनुअल से ज़्यादा भी दे सकता है। ये इसकी खासियत है क्योंकि ये फ्यूल एफिशिएंट होता है और जब भी ARAI टेस्टिंग होती है तो ज़्यादातर CVT गाड़ियों को ही लिया जाता है क्योंकि कभी कभार जब वो सीमलेसली एक ही स्पीड में चलाते रहेंगे ना तो ये मैनुअल से ज़्यादा एवरेज भी निकालने में सक्षम है। ये रिलैक्स ड्राइवर्स के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसकी जो कॉस्टिंग होती है वो लगभग 80,000 से 120 के आसपास हो जाती है कोई भी गाड़ी में, तो इतना कॉस्ट बढ़ जाता है गाड़ी का। चलिए अब बढ़ते हैं टॉर्क कन्वर्टर और DCT के ऊपर। ये दो नए ट्रांसमिशन है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे चल रही हैं। DCT होता है उसको बोलते हैं ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन। उसमें क्या होते हैं, दो क्लच होते हैं। जैसे एक गियर आपने फर्स्ट डाला है तो फर्स्ट जैसे ही आप गियर बदलोगे वो छूटने के पहले ही दूसरा आपका क्लच लग जाएगा। ये बिल्कुल सीमलेस होता है, बहुत ही फुल्ली ऑटोमेटेड है ये, बहुत सीमलेसली कहानी चलती है और इसमें आपको झटके नहीं महसूस होते हैं उतने। लेकिन इसमें क्या होता है कि दो क्लच हैं तो ऑड क्लच जो नंबर्स हैं वो एक क्लच को दे दिए, इवन एक को दे दिए, 135 एक को दे दिया है, 246 और रिवर्स एक क्लच को दे दिया है। तो जैसे ही आप 1 से 2 में डालोगे तो एक क्लच छूटेगा, दूसरा एंगेज हो जाएगा, तो ये बहुत ही सीमलेस चलता है। हुंडई में, किया में, इनमें खासियत यह है कि जब आप DCT में हायर गियर में चला रहे हो, सपोज आप फोर्थ में चला रहे हो और आपको एकदम रश मारना है, आपने एक्सेलरेटर पे मार दिया पैर, तो क्या होगा कि ये फटाफट एक ड्रॉप करेगा, फोर्थ से थर्ड गियर में आ जाएगा और उसके बाद एकदम से आपको वो थ्रॉटल मिलेगा और उसके बाद ये वापस बढ़ जाएगा, 3-4 चले जाएगा। ये इसकी खासियत है कि एकदम से ड्रॉप करके अप करता है ताकि आप बहुत सीमलेसली होता है काम और बहुत अच्छा आपको इसमें पावर देखने को मिलेगा। एंथुजियास्ट ड्राइवर्स के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसमें मेंटेनेंस थोड़ा सा हायर होता है क्योंकि आपको ऑयल वॉयल चेंज कराना पड़ता है, हीट इशूज कभी कभार आते हैं, ऐसा ज़्यादातर नहीं आते पर करवा सकते हो आप। उसके साथ में ये हल्के से झटके देते हैं और इसमें फ्यूल एफिशिएंसी 10-20% घट जाती है मैनुअल के मुकाबले। ये यूजुअली 1.5 CC की गाड़ियों के नीचे ही होता है और उसमें ही अगर आप लें तो ये ज़्यादा अच्छा है, जो 15 लाख के नीचे की, 10-15 लाख की गाड़ियाँ आती है ना उसमें ये बहुत बढ़िया है और ये उनके लिए तो बेस्ट कहानी है। अब टॉर्क कन्वर्टर की बात करें तो ये ऐसा है कि ये CVT वाला जो इंजन है ना, जिसमें गियर जैसा फील ही नहीं होता है, जिसमें एक्टिवा वाले गियर होते हैं, ये उससे ना स्मूथनेस ले लेता है उसकी और DCT से ना इसकी स्पीड बोरो कर लेता है ये। तो एक काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन है दोनों का कि ये हाई डीजल, जो हाई लेवल की डीजल गाड़ी आती है ना 2.0, 2.2, 1.8, इन सब में ज़्यादा आता है और ये टर्बोचार्ज इंजन के साथ सबसे ज़्यादा दिया जाता है। जैसे रैपिड गाड़ी हो गई या फिर हैरियर हो गई, ये इनमें ज़्यादा आएगा। दूसरा ये है कि इसमें जो पावर रहता है इसमें ज़्यादा रहता है और फ्यूल एफिशिएंसी गिर जाती है, बट इसमें दोनों का बैलेंस बनता भी है अगर आप तरीके से चलाओ तो, ये बैलेंस कर देता है उनको भी। DCT इज मोर स्मूथ एंड इट हैज़ अ बेटर पिकअप। लेकिन जो टॉर्क कन्वर्टर है उसमें ऐसी भी कहानी नहीं है कि स्मूथ बिल्कुल नहीं, ये भी स्मूथ होता है पर आपको फील होगा हल्का सा जगह क्या लैग आ सकता है अगर ट्यूनिंग प्रॉपरली नहीं करी है कंपनी ने गाड़ी की। तो कॉस्टली होता है, 1.5 लाख तक एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, इसीलिए ये ज़्यादा गाड़ियों में नहीं आता है, ये सिर्फ हैवी गाड़ियों में और टर्बोचार्ज में आ जाता है। सो गाइज, ये थे सारे अलग अलग ट्रांसमिशन मेथड्स। कुछ भी डाउट है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट अभी करो और मुझसे पूछो कि कहाँ पे
क्या चीज़ है और आपको कौन सी गाड़ी लेनी है, आपका बजट बताओ तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी गाड़ी में कौन सा ट्रांसमिशन आ रहा है। सो गाइस आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। अब इसकी एक सेकंड वीडियो भी आने वाली है जिसमें टॉक और इन सब के बारे में बात करने वाला हूं, तो वो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कौन सी फिर आपको उठानी है गाड़ी जाकर। दिस इज वरुण ललानी साइनिंग ऑफ।